यही अपना संघनी घाट और इसके ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तो बारिश के कारण बंद है शायद तक। देखो क्या पानी भरा हुआ, ये पूरा पानी नाले में चल जाता अगर नाला थोड़ा रोड से छोटा होता। ये नजारा देखो कितना मस्त है यार। तो काफी दिनों बाद ऐसे जगह आ रहा हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पे और भी मच्छी अंकल लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है जो कि पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से वहां तक। और देखो क्या पानी है यार यहाँ पे। तो यार गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और कैसे हो आप सब लोग। अभी बज रहे हैं 4 सुबह के नहीं, शाम के 4। अभी जस्ट जो है मैं सो के उठा हूँ, पूरा बिस्तर जो है फैला हुआ है। तो आज की इस व्लॉग में हम जाएंगे संघनी घाट, जो बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। और संघनी घाट जो है मैं गूगल मैप में देखा था, एक मस्त सा जगह है, वो पिकनिक स्पॉट बोल सकते हो। अब क्या है कैसा है वहां जाके ही पता चलेगा, और मैं कभी उस तरफ नहीं गया हूँ। तो आज की जो ये वीडियो में हम जाएंगे संघनी घाट और आपको पूरा दिखाएंगे। ये जो वीडियो बहुत दिन बाद आ रही होगी, और देखो बाल भी बहुत बढ़ चुके हैं, और वाटरफॉल वगैरह पूरा जाएंगे इस मंथ में। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलो। तो यार यहाँ से जो है हम लोग संघनी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सामने में देख सकते हो ACC अपना, और काफी दिन बाद जो है हम कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग। देखो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मौसम आज अच्छा है। मैं सोच रहा था कि बारिश गिरेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बारिश में व्लॉग बनाने का बहुत मन कर रहा था। तो आज का जगह फिर एक बार बता दे रहा हूँ, आज हम जा रहे हैं संघनी घाट अंदर से होते हुए। तो ये पहली बार है जो मैं जा रहा हूँ, और गूगल मैप में देखा था ऐसे अचानक से, तो सोचा चलो एक बार विजिट करके आते हैं। पर ये लोग देखो कितनी तेजी से चला रहे हैं गाड़ी। ओ भाई जल्दी निकाल 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 निकाल। तो यार ये देखो ये ACC आ चुका है, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कैमरा ब्लर है यार वाइड एंगल का। चलो थोड़ा आगे जाके देखेंगे। और ये देख सकते हो यहाँ पर ACC चौक है, यहाँ से हमको इधर जाना है। तो देख सकते हो काफी ज्यादा खराब रोड है, अभी तक यहाँ बना नहीं। और देखो नाला, ये पूरा पानी नाले में चल जाता अगर नाला थोड़ा रोड से छोटा होता। तो यार ये रोड जो है बहुत गलत पकड़ लिया हम लोग, क्योंकि इतना बेकार रोड है ना। चॉकलेट देखो कितना सारा चॉकलेट गिरा हुआ है। पर अगर नाला अगर थोड़ा छोटा होता ना तो पूरा पानी घुस जाता, लेकिन नाला देखो कितना बड़ा है। वो देखो नाला देखो कितना बड़ा है, रोड कितना छोटा, रोड नीचे है नाला बहुत ऊपर है। गड्ढे गड्ढे, बारिश में यही दिक्कत हो जाते हैं। अब ये गड्ढा कितना बड़ा है कौन जाने, अंदर घुस जाने के बाद। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as जो है 5 every 6 किलोमीटर बचा हुआ है, और हम लोग पहुंच गए हैं धमदा वाले रोड में। आई थिंक इस तरफ जो है धमदा है, देवाकर है, बेमेतरा है। धमदा यहाँ से 160 मतलब 116 किलोमीटर है, 116.6 बोल रहा हूँ। और यहाँ से जो है ऐसे जाना है,
सबकी जान और सबकी शान, दारू है मेरी जान वाला भट्टी है मेरी जान, तो वो देखो इस तरफ भट्टी अपना पड़ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ को जो बचा रहा है वो है भट्टी। और ये नज़ारा देखो कितना मस्त है यार, तो काफ़ी दिनों बाद ऐसे जगह आ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है ब्लॉग बनाए, एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पिछली बार जब से ज़्यादा दूर मैं वहीं गया था, क्या नाम था अपना, बिलासपुर गया था, पर वहाँ भी ऐसे रोड कहीं नहीं मिला था, बस एक लंबा सा रोड था, आजू बाजू पेड़ भी नहीं थे इतने सारे। आप एक बार देखो जाके, पर ये नज़ारा देखो यार क्या दिख रहा है भाई साहब। इधर से पूरा आने के बाद यहाँ से जो है मुड़ने का बता रहा है हम लोग को गूगल मैप हुआ, तो आप भी देख लो ये वाला द्वार, यहाँ से मुड़ना है। क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं, ये कहाँ आ गए, तो ये गांव वाले एरिया में घुस गए हैं कोई से हम, बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, देखो पूरे खड्डे में पानी भरे हुए हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे एक छोटा सा वो बन गया तालाब, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की जरूरत है, बाकी तो सब पढ़े लिखे लग ही रहा है। गैया माता गैया माता, तो यार ये थोड़ा रोड के ऊपर इधर गांव वालों को ध्यान देना चाहिए। सरपंच जी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा करिए कुछ, यहाँ का समाधान निकालिए, गवर्नमेंट को यहाँ के रोडों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ का थोड़ा देखो, यहाँ पर रोड बनाया, जहाँ बनाना चाहिए वहाँ तो नहीं बनाता है, साला पैसा खाने में पहले रहते हैं अप्पल नंबर पे। आज हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आजू बाजू एक आख मंदिर होगा, यहाँ से जो है रोड है आगे, तो ये देखो इधर दो मंदिर भी है यहाँ पे, और सामने में ये हमारा संगनी घाट आ गया। तो यार यहीं पर बाइक खड़ा करके देखते हैं हम लोग क्या है ये जगह। तो देखो यार इस तरफ अपन आए हैं और ये शिवनाथ नदी का बहाव देखो काफी ज्यादा है, और वहां पे जो है मछुआरे लोग भी हैं और कुछ लोग जो है नहा भी रहे हैं, तो उस तरफ देखते हैं देखो क्या पानी भरा हुआ है उस तरफ में। तो यही है अपना संगनी घाट, और इसके ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो बारिश के कारण बंद है शायद तक। देखो क्या पानी भरा हुआ है, लबालब बहाव देखो यहाँ पे, फोटो खींचते यहाँ पे और आपको और दिखाते, नीचे चलते यहाँ से आना देखते हैं। और ये देख सकते हो काफी ज्यादा पानी है यार यहाँ पे। ओ भाई वो देखो वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो बहुत पानी है, बहुत ज्यादा पानी है वहां पर, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से वहां तक, और देखो क्या पानी है यार यहाँ पे, बहुत मस्त जगह है। संजू यहाँ पे फोटो लेना, मस्त आ रहा है। तो यार ये देख सकते हो यहाँ पे जो है संजू के पीछे कुत्ता पड़ गया है, और उधर अंकल लोग जो है फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन बहाव जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज है, अंकल जो है देखो पार कर रहे हैं, और वहां पे भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो चलो देखते हैं मच्छी पकड़ाया है क्या, एक बार देखते हैं। ये देखो एक छोटा सा मच्छी पकड़ा है उनको, देख सकते हो यहाँ पे और भी मच्छी अंकल लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, जो कि वहाँ आप देख सकते हो जाएंगे और फिर वहाँ से जो है फिश पकड़ेंगे। देखो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ से, और पूरे मछली जो है यहाँ से जो है उड़ के बोल रहे बह के नीचे जा रहे हैं, और देखो वो कैसे पकड़ रहे हैं अंकल लोग वहाँ पे, बहुत रिस्क है वहाँ पे, देखो कितना बहाव वहाँ पर बहुत तेज है, पर वो फिर भी वहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं क्योंकि पेट का सवाल है, और हमारा गाड़ी जो है वहाँ पर रखा है तो उसका भी थोड़ा दिक्कत है, लगता है कुछ मच्छी वगैरह पकड़ाए हैं फिर आ रहे हैं अंकल लोग। ब्रिज का काम लगता है अभी तक पूरा नहीं हुआ, और उसी बीच में मॉनसून चालू हो गया तो ब्रिज का काम भी अभी रुक गया, जब ब्रिज बन जाएगा तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा ऊपर से देखने में ये
पूरा नदी, ये शिवनाथ नदी यहाँ का देखो बीच में गोल सा चक्रव्यूह टाइप का बन रहा है गोल गोल। तो यार इसके बाजू में देखो ऐसे खड्डे बने हुए हैं यहाँ बड़े बड़े, तो यहाँ पर भी जो है अगर बहाव ज्यादा होता होगा तो पूरा पानी जो है यहाँ से भी जाने के लिए बन जाता होगा। और उधर एक जन जो है संदास कर रहे हैं। यार बहुत मस्त जगह है यार यहाँ पे, पूरा ये पूरा जो है क्या एपिक जगह है। और देखो पूरा पानी उनी पूरा बारिश के सब जमा है, और ये पूरा अपना संगिनी घाट। रुक जा भाई, फोटो खींच रहा हूँ तेरा, जा जा जा। The next day. जो है सूरज भी अगर रोशनी पड़ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है, और पूरा जो है ये अभी पानी से भर जाता, अगर और पानी गिरता तो और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से पूरा जो है पानी बहता और हम लोग जो है इसके ऊपर से वीडियो बनाते, मगर अभी ऐसे ही देख सकते हो आप, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और सही जगह पे आए हैं हम लोग ये जगह पे, तो अभी जो है थोड़ा सा और रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा और वीडियो शूट करेंगे और आपके लिए थोड़ा टाइम लैप्स और कुछ कुछ वीडियो बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं फट से। तो कुछ कुछ क्लिप मैंने बनाए हैं तो उसको जरूर देखना, और निकलते हैं यहाँ से।